चेक पेज एक ऐसा बेसिक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जिसे हम रोजाना यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक चेक पेज में आखिर होता क्या क्या है और चेक पेज को अलग अलग सिचुएशन में भरते कैसे हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बातें करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चेक पेज के जो ऊपर के बीच वाले हिस्से होता है उस पर लिखा होता है आपका ब्रांच का नाम, ब्रांच की कोड, ब्रांच की एड्रेस और ब्रांच की आईएफएससी कोड। राइट हैंड साइड के नीचे में आपको देना पड़ता है अपना सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड साइड के बीच में आपको डालना पड़ता है अपना अकाउंट नंबर। चेक पेज के नीचे वाले हिस्से की जो पहले 6 डिजिट होते हैं वो होते हैं चेक नंबर, नेक्स्ट 9 डिजिट होते हैं MICR कोड और आखिरी 2 डिजिट होती है अकाउंट टाइप। और चेक की जो राइट हैंड साइड के ऊपर में आपको डालना पड़ता है डेट। अगर आपको चेक से पैसे निकालना है तो आपको पहले तो जहाँ रुपीज़ लिखा हुआ है वहाँ आपको लिखना पड़ेगा वो धनराशि जो आप निकालना चाहते हैं, दोनों वर्ड्स में भी और फिगर में भी। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1000, देखिए मैंने पहले उसे वर्ड में भी 1000 लिखा और फिगर में भी 1000 लिखा। फिर आपको लिखना पड़ेगा जो पहली लाइन है जहाँ लिखा हुआ है पे, वहाँ आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ, SEL और F। फिर आपको डेट की जगह देना पड़ेगा वो तारीख जिस दिन आप पैसे निकालने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आज की तारीख पे आप पैसे निकालने जा रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा आज की तारीख, और आपको साइन करना पड़ेगा चेक के दोनों तरफ, ऊपरी तरफ भी और नीचे तरफ भी। अभी अगर आपको चेक से पेमेंट करना होगा किसी थर्ड पार्टी को तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा वो धनराशि जो आप पेमेंट करना चाहते हैं, दोनों वर्ड्स में भी और फिगर में भी। जैसे कि मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ है 1000 वर्ड्स में भी और फिगर में भी। फिर आपको लिखना पड़ेगा पे में थर्ड पार्टी का नाम जिसे आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ, पकड़ लीजिए मिस्टर एक्स को या मिस्टर वाई को, उस पार्टी का नाम जिसे हम पेमेंट देना चाहते हैं। फिर आपको लिखना पड़ेगा डेट की जगह डेट जिस तारीख को आप ये चेक दे रहे हैं, और करना पड़ेगा साइन दोनों साइड, यानी कि ऊपरी तरफ भी और नीचे तरफ। अभी अगर हम चेक पेज से NEFT या RTGS ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा रुपीज में वो धनराशि जो हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, दोनों वर्ड्स में भी और फिगर में भी। फिर हमें पे की जगह यहाँ लिखना पड़ेगा योरसेल्फ, YOURSELF। फिर हमें देना पड़ेगा डेट जिस तारीख को हम ये ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, और फिर हमें साइन करना पड़ेगा दोनों साइड, ऊपरी साइड भी और पीछे साइड भी। तो चलिए अब आपको पता चल चुका होगा एक चेक पेज में आखिर होता क्या क्या है और एक चेक पेज को अलग अलग सिचुएशन में भरते कैसे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले एक ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।